नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया गढ़गंगा मेले का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश हापुड़ गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेले में सोमवार को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे। मेले के सदर गेट पर मेले का फीता काट शुभारंभ किया। उन्होंने मेले में आए श्रद्धालुओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से मोक्षदायिनी गंगा की जलधारा को अविरल व निर्मल बनाने को चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद विदेश राज्य मंत्री ने सांसद कंवर सिंह, तवन विधायक कमल मलिक, डीएम अदिति सिंह, एसपी संकल्प शर्मा, एएसपी राम मोहन सिंह, सीओ पवन कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अमृता कुमार, मेला अधिकारी ज्योति राय के साथ शांति के प्रतीक गुब्बारे हवा में छोड़े। उसके उपरांत जनरल वीके सिंह ने गंगा तट पर क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों के साथ हवन पूजन कर गंगा माँ की आरती में भाग लिया। देखिए हमारे रिपोर्टर अभय शर्मा के साथ कर गंगा मेले की स्पेशल कवरेज रिपोर्ट। चलो भाई जी, साइड में रहो, साइड में रहो। चलो भैया छोड़ो, चलो चलो चलो, फिर बात जय ये सब संघ की है, ठीक है। बटोना एक बार इसको बजा के तो हमें सुनाओ भी कुछ थोड़ा हमारे टीवी के लिए, उसके लिए भी करेंगे बात। हमारे चैन पहले इनको अपने इसकी जरूरत ना है। एक मिनट रोक लेंगे। माफ़ी चाहूँगा, प्रशासन अपनी सहिष्णुता दिखाए और ये दिखाए कि वो सभी धर्म है इसलिए मेले में जप नहीं करा सकती, लेकिन एसटी नेचुरल फाउंडेशन और एसटी नेचुरल फाउंडेशन के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठकर सामूहिक रूप से रोज़ शाम को ओम नमः शिवाय जप करेंगे और हम गंगा मैया से, भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे कि जरा इन अधिकारियों को भी सद्बुद्धि दें और उनको बताएँ कि ओम नमः शिवाय का जप इसलिए हो रहा है कि ये मुक्तेश्वर महादेव मुक्तेश्वर के नाम पर मेला लगता है, भगवान शिव का स्थान है, भगवान शिव के नाम पर मेला लगता है। तो किसी भी संप्रदाय के लोग हों, अगर उन्हें ओम नमः शिवाय के जप से तकलीफ़ है तो मुझे नहीं लगता उन्हें यहाँ पैर भी रखने का कोई अधिकार है, वो चाहे अधिकारी हों या आम जनता है। धन्यवाद सर, थोड़ा सा ले लेते हैं। Oh,
Gracias.